कोटेचा तमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन डाबिल में आई सुपरटेक्स वेवोन कंपनी में लगी भीषण आग। पार्टी एपीएमसी चुनाव के नतीजे हुए घोषित। सिलवासा में एबीवीपी द्वारा दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची को श्रद्धांजलि दी गई। वलसाड के तिथल रोड पर आए एक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अब समाचार विस्तार में। दमन डाबिल स्थित सुपरटेक्स वेवोन कंपनी में आग लगते वक्त आज रोज सुबह 3:45 के दौरान डाबिल स्थित सुपरटेक्स वेवोन नाम की इंडस्ट्रीज में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। यह कंपनी प्लास्टिक की मटेरियल बनाती कंपनी है। घटना की जानकारी संचालक को होते घटनास्थल पर पहुंचकर फायर विभाग को जानकारी दी थी, जिससे फायर विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था। इस आग में कोई जानहानि नहीं हुई थी। ये घटना लगभग 3:30 बजे हुआ है और ये मुझे सिक्योरिटी के द्वारा मालूम पड़ा कि प्लांट में आग लग गया है। इसमें जो भी काम करने वाले थे नाइट शिफ्ट में, उनको हम लोगों ने इमीडिएटली बाहर निकाला। उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे पहले मुझे जैसे ही मैसेज मिला, मैंने दमन फायर हाइड्रेंट को फ़ोन किया और उन्होंने इमीडिएट आया भी, और फिर आते ही हम लोगों ने आग बुझाने में लग गए। रात में करीब करीब 120 के आसपास आदमी काम कर रहे हैं। पार्टी एपीएमसी किसान विभाग के चुनाव परिणाम में वर्तमान चेयरमैन की संपूर्ण पैनल विजेता हुई। पार्टी खेतीवाड़ी उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी में किसान विभाग की 10 बैठक के लिए 11 उम्मीदवारों के लिए चुनाव का मतदान होने के बाद आज रोज मंगलवार को मतगिनती शुरू करने में आई थी, जिसमें 72 मतदारों में से 68 मतदारों ने मतदान किया था। जिस चुनाव की मतगिनती खेतीवाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के मकान में शुरू करने में आई थी, सुबह 6 बजे से मतगिनती शुरू करने में आई थी और 10:30 बजे परिणाम चुनाव अधिकारी एचआर पटेल ने घोषित किया था। चुनाव परिणाम में वर्तमान चेयरमैन की पैनल के सभी 10 सभ्य विजेता हुए थे। चुनाव के परिणाम के बाद अब चेयरमैन पद में युवाओं को तक देने की चर्चा चल रही थी। विजेता हुए उम्मीदवार में करण सिंह ठाकुर, हितेश देसाई, आशीष पटेल, जगदीश चंद्र पटेल, जीना भाई पटेल, नटू भाई पटेल, प्रवीण भाई पटेल, हितेश पटेल, हरीश पटेल, नवीन चंद्र शाह मिलकर 10 उम्मीदवार विजेता हुए थे, जब एक उम्मीदवार अमित ठाकुर भाई पटेल का पराजय हुआ था। पहले व्यापारी बैठक के वापी पार्टी मिलकर 4 उम्मीदवार बिनहरीफ आए थे और संघ की 2 बैठक में दोनों बिनहरीफ रहे थे। चार उम्मीदवार पैकी क्रम नंबर 1 उम्मीदवार ने 62 मत मिले थे, 62 क्रम नंबर 2 ने 53 मिले थे, क्रम नंबर 3 ने 27 मिले थे, क्रम नंबर 4 ने 57 मिले थे, 5 ने 63 मिले थे, 6 ने 60, 7 ने 61, 8 ने 56, 9 ने 55,
दस ने पिस्तालीस अग्यार ने चौपन मत मे। आज रोज खेडूत विभाग की बजार समिति पार्टी चूंटनी मतगणतरी थी, जेमा अग्यार उम्मीदवार था, दस सीट थी। ये गणतरी आज एकदम सुखद बात पड़ी है। सरकारी मंत्री क्षेत्र में दस उम्मीदवार चूंटाई आया है, जो मतगणतरी पूरी कर विजेता जाहिर कर दस उम्मेदवार उम्मेदवारी करी सके, जेमा अमारी पैनल दस उम्मेदवार था अने सामेनी पैनल में एक ज अमित भाई उम्मेदवारी करी हती, तेम छता अमारी टीम ना दसे दस सभ्य अहीं विजेता बने छे। खेडूत विभाग में प्रतिनिधि मोटा अक्षीपा सेवा सहकारी मंडली में करी थी। बिलहरीफ करने प्रयत्न तो अमे घा कर, परंतु हमें सामेना उम्मीदवार की मर्जी की बात होने उम्मीदवारी कर सके। आ लोकशाही है तो यहाँ आप कोई ने जबरदस्ती नहीं कर सकी, अपने समझावट की प्रयत्न करा पर अमने सफलता नहीं मिली। सिलवासा के नरोली गांव में एक बच्ची पर बलात्कार और हत्या के केस में एबीवीपी ने दमन और सिलवासा पुलिस अधीक्षक को मेमोरेंडम दिया। सिलवासा के नरोली गांव में मासूम बच्ची की बलात्कार और हत्या के केस में एबीवीपी ने दमन और सिलवासा पुलिस अधीक्षक को मेमोरेंडम दिया और कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देने में आई। दादरा नगर हवेली के नरोली गांव में 12/3/2021 के दिन 4 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार कर हत्या करने में आई थी। इस विषय पर अखिल भारतीय छात्र परिषद दमन और सिलवासा द्वारा बीते कल पुलिस अधीक्षक दमन और सिलवासा को एक निवेदन सौंपा था और शहीद चौक पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देने में आई थी। अखिल भारतीय छात्र परिषद पिछले कई वक्त से महिला और लड़कियों की आत्मसंरक्षण और सुरक्षा के लिए मिशन ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। केंद्र शासित दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति होने के बावजूद दादरा नगर हवेली के नरोली गांव में 12/3/2021 के दिन 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने में आई थी। इस विषय पर अखिल भारतीय छात्र परिषद दमन और सिलवासा पुलिस अधीक्षक दमन और सिलवासा को एक निवेदन दिया था। एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है, इसके तहत हम उस बच्ची और उसके पिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। वलसाड के तिथलर स्थित यश कमल अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगते भगदड़। वलसाड के तिथल रोड पर आए यश कमल अपार्टमेंट के दूसरे माले पर आग लगते भगदड़ मच गई थी। अपार्टमेंट के दूसरे माले रहते ध्रुव दोषी के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। घटना की जानकारी वलसाड पालिका के फायर फाइटर की टीम को करते घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और आग पर काबू पाया था। जो कि वलसाड जिला में बढ़ रही आग की घटना को लेकर स्थानिक तंत्र ध्यान दे यह जरूरी बना है। उदवाड़ा एपीएमसी हाईवे पर पार्टी के पियागो टेम्पो द्वारा अनजान वाहन चालक को टक्कर मारते हादसे में मौत। उदवाड़ा एपीएमसी हाईवे पर आज रोज पियागो टेम्पो वापी से नारियल भरकर पार्टी आते हादसा हुआ था। हादसे में एक अनजान वाहन चालक द्वारा पार्टी के पियागो टेम्पो नंबर GJ15AV5819 को टक्कर मारते तुरंत इलाज हेतु पार्टी हॉस्पिटल ले जाने में आया था, जहां फर्ज निभाते चिकित्सक ने मृत घोषित किया था। हादसे में घटना की जानकारी पार्टी पोनिया में रहते टेम्पो चालक हेमंत धीरूभाई आहिर जिसकी उम्र वर्ष 42 के परिवार को की थी, जिसके बाद हादसे की जानकारी हॉस्पिटल द्वारा पार्टी पुलिस स्टेशन में करने में आई थी। हादसे में मृत हुए हेमंत भाई आहिर की लाश को पार्डी CHC में पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी। घटना में पार्डी के PSI DJ बारोट ने तुरंत उनके बीट के जमादार को घटनास्थल पर भेजकर कार्यवाही शुरू की थी। पार्टी अर्बन GEP की टीम ने अभिनव पाद के एक वीज ग्राहक का बिल भरने के बावजूद कनेक्शन काटते विवाद।
पारडी दक्षिण गुजरात बीज कंपनी अर्बन विभाग की टीम ने हाल मार्च एंडिंग को लेकर बीज कनेक्शन के बाकी बिल रहते ग्राहकों ने आक्रोश व्यक्त किया था, जिसमें आज रोज मंगलवार के अभिनव पार्क में पहली मंजिल पर आई टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट कीर्ति भाई भंडारी की ऑफिस का बीज कनेक्शन बिल भरने के बावजूद बीज कंपनी द्वारा काटते विवाद हुआ था, जिसमें कीर्ति भाई भंडारी ने ₹400 का बिल भरने के बावजूद कनेक्शन काटने में आया था, जिसको लेकर ग्राहक ने बीज कंपनी में फ़ोन कर बुलाते तुरंत बीज प्रवाह चालू किया था और 5 दिन पहले भी पावर कट कर बीज कनेक्शन काटने में आया होने का कीर्ति भाई भंडारी ने बताया था। और इस बिल्डिंग में A118 नंबर की ऑफिस में माइक्रोनिक्स कंप्यूटर के ट्रांसफ़र के लिए पहले 2016 में दी थी और इस बिल्डिंग में A118 नंबर की ऑफिस में माइक्रोनिक्स कंप्यूटर के ट्रांसफ़र के लिए पहले 2016 में अर्जी दी थी और फिर 9 जनवरी के दिन भी फिर से GB में अर्जी दी थी, जिसकी कार्यवाही आज दिन तक ना करते ग्राहक ने रोष व्यक्त किया था। ऑफिस 120-121 નંબરની છે, પહેલા માળ પર મારું બિલ 10-2-2021 તરત પેમેન્ટ થઈ ગયું છે ઓનલાઈન। 5 દિવસ અગાડી એ લોકોએ મારું મીટર કાપી ગયા, મીટર મારી લાઇટ બંધ થઈ ગઈ, તો હું બપોર સુધી લગભગ 6 વાગ્યા સુધી રાહ જોઈ। 6 વાગ્યા પછી એ લોકોને કોન્ટેક્ટ કર્યો, તો એ લોકો આવ્યા અને મીટર બિલ માંગ્યું મારું, તે દિવસે મેં બિલ બતાવ્યું। હવે આજે પાછો પાવર કપાઈ ગયો, પાછો પાવર કપાયો એટલે હું 10 મિનિટ બેસી જાઉં, જો પાવર જાય તો તપનભાઈનું જનરેટર ચાલુ થઈ જાય, પણ અવાજ નહીં આવ્યો એટલે મને સ્ટ્રાઇક થઈ કે આ કંઈ ગરબડ છે। એટલે પેલા ભાઈ GBવાળા ઉપર જતા હતા બીજા માળા પર, એટલે મેં એમને બૂમ મારીને બોલાવ્યો કે ભાઈ આ મારું લાઇટ કેમ બંધ, તો એમણે મને કીધું કે તમે બિલ નથી ભરેલું, એટલે મેં એમને બતાવ્યું કે મારું બિલ તો ભરેલું છે ભાઈ 5 દિવસ પહેલાં, તે સફર બતાવ્યું એમને બિલ મારું, ને ઓનલાઈન પેમેન્ટ મેં કરેલું। અને પેલા ભાઈ રવિન્દ્રભાઈ જે આવેલા છે GBના કર્મચારી, એમને પૂછતા એમણે મને કીધું કે ભાઈ અહીંયા લૂપ લાઈન આપેલી હશે મીટર બાય મીટર, એટલે કદાચ તમારી લાઈટ બંધ થઈ છે, તો એ અમારો વિષય તો નથી, એ GBનો વિષય છે। કપરાડા કે સિલધર ગામ કે લોકોને રસ્તે કી પરેશાની કે મામલે બલસત કલેક્ટર કો જ્ઞાપન દિયા। कपराड़ा के सिलदा गांव के लोगों ने रास्ते की परेशानी के मामले वलसाड़ जिला कलेक्टर RR रावल को ज्ञापन देने में आया था, जिसमें बताए अनुसार कपराड़ा तहसील के सिलदा गांव में थापल देही फलिया में साल 2008-09 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में से 4 किलोमीटर का रास्ता मंजूर करने में आया था, पर साल 2008-09 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रास्ता अभी तक नहीं बना, जब साल 2020-21 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 किलोमीटर का रास्ता मंजूर हुआ है, जिसमें 3 किलोमीटर का रास्ते में से सिर्फ 1 किलोमीटर ही स्थल पर बनाने के लिए अधिकारी द्वारा सर्वे करने में आया है और बाकी का 2 किलोमीटर का रास्ता अन्य दूसरे फलिया में बनाने खातमुहूर्त करने में आया है। थापल देही फलिया सिलदा गाँव के डूंगर पर आया है, जिससे गाँव में आने जाने के लिए स्कूल जाने, हॉस्पिटल, पंचायत पर जाने में परेशानी होती है। ग्रामजनों के बताए अनुसार खड़कवाड़ से रोहियान तलट होकर बुरला होकर सिलदा, इस तरह 3 गांव गुजरकर करीबन 20 किलोमीटर जितना अंतर काटना पड़ता है। आज जारे सिलदा गाम में प्रधानमंत्री जे सड़क योजना 2008-2009 જે 4 કિલોમીટરનો જે રસ્તો પાસ થયેલો હતો, પરંતુ એ 4 કિલોમીટરનો રસ્તો બનાવ્યો નથી, માત્ર કાગળ પર જ રહ્યો હતો, અને 2020-21માં મુખ્યમંત્રી સડક યોજના જે થાપલ હેદી 3 કિલોમીટરનો જે રસ્તો સર્વેના અનુરૂપ પાસ થયો છે 3 કિલોમીટરનો, ત્યારે ત્યાં માત્ર ખાલી 1 કિલોમીટરનો જ બન્યો છે અને 2 કિલોમીટર એ બીજી ત્રીજી જગ્યાએ બનાવવા માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, તો ગામ વતી માંગ કરી રહ્યા છે કે થાપલ હેદીનો જે 3 કિલોમીટરનો રસ્તો પાસ થયેલો છે અને 2 કિલોમીટરનો જે બાકી એ થાપલ હેદીના જોડતો જ 2 કિલોમીટર બનાવે એવી ગામ વતી માંગ ઉઠી રહી છે। પાર્ટી સ્ટેશન કે સામે એપાર્ટમેન્ટ કે રહીશોને ગટર કે પાણી સે પરેશાન હોકર સમાહર્તા કો જ્ઞાપન દિયા। પાર્ટી સ્ટેશન વિસ્તાર કે એપાર્ટમેન્ટ કે રહીશો કે ગંદે પાણી કી પરેશાની કો લેકર પાર્ટી મામલતદાર કો આજ રોજ જ્ઞાપન દિયા।
पार्टी स्टेशन नजदीक आई 3 से ज्यादा सोसाइटी और चौल में रहते लोगों के गंदे पानी के निकाल के लिए ड्रेनेज लाइन जोड़ने में आई है, जिससे गंदे पानी से रईस परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन रहा है। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के बिल्डिंग में 56 फ्लैट के और आसपास में आए अन्य साईनाथ, साई चला, आस्था, साई रेसिडेंसी, वासुदेव, मनोज भाई किचौल मिलकर 1000 से ज़्यादा रईस रहते हैं। इस खाल कुएं के गंदे पानी की परेशानी का निकाल करने आज रोज जयेश भाई परमार, मनोज पटेल, भानुमति शुरती, शुदाबेन मौर्य, मनीषा टंडेल, हेमंत पटेल वगैरह ने सही कर मामलतदार को ज्ञापन देकर निकाल करने बताया था। इतनी जगह नहीं बने अत्यारे जे खाड़को भी जे हमें बनेलो छे जे बाहर बाहरनी साइड बनेलो छे जे खाड़को ए सिवे बीजी जगह छे नहीं बने એટલે આ લોકો શું કરે કે બિલ્ડરે જમીન ઓછી લીધી ઘરો મોઢારે મોટા બાંધી દીધા બિલ્ડિંગ મોટી બાંધી દીધી અને એમાં બીજું કોઈ જાતનું સોલ્યુશન નહીં મળે ને એક ખાલી સેફ્ટી ટેન્ક બનેલું છે અને જે બિલ્ડરને બી ઘણી વાર રિક્વેસ્ટ કરી બિલ્ડરના બી હાથ પગ જોડા અમારા જે લાગતા પ્રશાસન છે જેમ કે અમારું ગ્રામ પંચાયત વિસ્તાર છે ઉમરસાડી દેસાવડલા અમે પંચાયતમાં બી લેખિતમાં આપેલું કે અમારા પંચાયતમાં લેખિતમાં આપેલું એમને બી હાથ જોડેલા કે સાહેબ આ ઘણા બધા લોકોની હાથે તકલીફો છે એટલે તમે રિક્વેસ્ટ કરતા હતા કે તમે જોડાણ કરો અને કંઈક આગળ પરમિટ કરો અમે 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 ત્યાં સુધી રેડી હતા કે અગર કદાચ એ લોકો અમને એમ કહેતા કે પંચાયત પાસે આનું ભંડોળ નહીં મળે અમે કીધું કે આપણી અધિકારીમાં વાત કરો અથવા સ્વ ખર્ચે બી ત્યાર કે અમે અમારું અમારથી જે ભંડોળ આપવા માંગતા હતા કે ભાઈ ચલો અગર તમે રૂપિયો કરશો તો અમે બી 25 પૈસા કાઢીને અમે એમાં ભાગ ભજવશું તાકે એક વધારો નિકાલ આવી જાય પણ આજે સુધી કંઈ થયું નહીં ગોકુલધામ સોસાયટીના જે રહીશો હતા એ આજે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા હતા એમના લગભગ જે ઘરો છે ત્યાંથી ગંદા પાણીના નિકાલની સમસ્યા છે જેના લીધે ઘણા લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે એ બાબતે ચોક્કસ સ્થળ તપાસ કરીને આગળની કાર્યવાહી જે પણ કોઈ કઈ રીતના મંજૂરી લેવામાં આવેલી છે અને કઈ રીતનો પ્લાન છે એ પ્રમાણે એમના લીડર ઉપર તેમના કરેક્શન લેવામાં આવશે SSB Hair and Beauty Institute દ્વારા માસ્ટર ક્લાસીસ ઓર બ્યુટિશિયન વર્કશોપ કા આયોજન કિયા ગયા યહ વર્કશોપ 17, 18 ઓર 19 માર્ચ તક આયોજિત કિયા જાયેગા SSB Hair Beauty Makeup Institute દ્વારા પિછલે દિનોં એક સેમિનાર કા આયોજન કિયા ગયા થા જિસમે મહિલાઓને બડે ઉત્સાહ કે સાથ હિસ્સા લિયા થા જિસમે ભારતભર મે નામ કમા ચુકે હેરસ્ટાઇલ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ને આકર મહિલાઓં કો બ્યુટી પાર્લર્સ કી નઈ નઈ જાણકારી દી થી ઇસ સેમિનાર કે ચલતે શીતલ ગિલાણી દ્વારા ફિર એક વર્કશોપ કા આયોજન કિયા ગયા યહ વર્કશોપ 17 18 ઓર 19 માર્ચ સુબહ 11 બજે સે શામ 5 બજે તક આયોજિત કિયા જાયેગા खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन डाबिल में आई सुपर टेक्स वेवोन कंपनी में लगी भीषण आग। पार्टी एपीएमसी चुनाव के नतीजे हुए घोषित। सिलवासा में एपीवीपी द्वारा दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची को श्रद्धांजलि दी गई। वलसाड के तिथल रोड पर आए एक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। तो ये थे अब तक के तमाम न्यूज़। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।